नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। मैं आपके साथ चंद्र ओझा। पदमपुर की इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पदमपुर की बड़ी खबर। बड़ी खबर देखने से पहले कृपया अनूपगढ़ ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक समाचार का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहे। अब खबर विस्तार से। पदमपुर में नगर पालिका के वार्ड नंबर 21 में 7 मई को उपचुनाव होने जा रहे हैं। दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने कंचन कुमारी पत्नी रमेश कुमार वे भाजपा ने नीलम शर्मा पत्नी महेश शर्मा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। उम्मीदवारों की घोषणा करने से पहले दोनों ही पार्टियों के द्वारा बैठक कर वार्डवासियों व कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। नामांकन दाखिल करने की तिथि 25 अप्रैल और 28 अप्रैल दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापस लिए जा रहे सकते हैं 3 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं और मतदान आने वाली 7 मई को होगा और मतगणना 8 मई को होगी। विधायक कुन्नर ने की थी शिकायत, 36 घंटे पूर्व हुए थे चुनाव निरस्त। हम आपको बता दें कि विधायक कुन्नर ने की थी शिकायत, 36 घंटे पूर्व हुए थे चुनाव निरस्त। वार्ड नंबर 21 की पार्षद काजल सोनी की बैंक में नौकरी के कारण त्याग पत्र देने के बाद वार्ड में 25 नवंबर को उपचुनाव होने थे। विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर ने 21 नवंबर को मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायत कर उपचुनाव स्थगित करने का आग्रह किया। विधायक ने पत्र में कहा कि वार्ड नंबर 21 की मतदाता सूची में 137 ऐसे नाम नहीं जोड़े गए जो पूर्व में 2020 में मतदाता सूची में थे। ऐसे में ये मतदाता अपने अधिकारों से वंचित रह जाएंगे। विधायक ने इन सभी मतदाताओं के नाम जुड़वाने की मांग की थी। पत्र में कहा कि नाम जुड़वाने की कार्य तय तिथि तक करनी चाहिए। हालांकि पदमपुर में कांग्रेस का पहले से ही बोर्ड था। चुनाव निरस्त होने के बाद दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्थगित चुनाव में अपनी उम्मीदवार नीलम शर्मा पर दुवार से विश्वास जताया। वहीं कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपना उम्मीदवार सिंधी समाज से कंचन कुमारी पत्नी रमेश कुमार को चुनावी मैदान में उतारा गया है। भाजपा के पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टिटी ने अपना उम्मीदवार घोषित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने अपनी हार को टाला था, जीत हमारी होगी। वहीं कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि वार्ड में सिंधी समाज की वोटर लिस्ट लंबी है, उसी का फायदा उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सिंधी समाज से चुनावी मैदान में अपना उम्मीदवार उतारा है। वार्डवासी अब किसके सिर जीत का सहरा बांधेंगे अभी देखना बाकी है। पदमपुर से बिग ब्रेकिंग। पदमपुर के वार्ड नंबर 21 के उपचुनाव की बिग ब्रेकिंग आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने की अपने उम्मीदवार की घोषणा। कांग्रेस पार्टी ने कंचन कुमारी पत्नी रमेश कुमार को उतारा चुनावी मैदान में। 25 अप्रैल को होने जा रहे नामांकन दाखिल, 7 मई को होंगे मतदान और 8 मई को होगी मतगणना। कांग्रेस पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ। नगर पालिका पदमपुर द्वारा करवाए जा रहे हैं विकास कार्यों का मिलेगा लाभ। बहुमत से जीतेगी चुनाव, पीसीसी सदस्य रूबी कुनर ने कहा। इस मौके पर कांग्रेस नेता फूलचंद मिगलानी, बिक्की जिंदल, जितेंद्र चिट्टा, नवीन बागला, रिंकू राणा, रोमी गोयल, संजय सिंगला, संजय मिगलानी, शीतल राम पार्षद, राजेंद्र निनानिया, जामन दास, हरीश कुमार, राजीव जिंदल, सुरेंद्र कुमार बटेजा, डॉक्टर कपिल, पोसी सचदेवा, मनीष दमीजा, बुलचंद बद्रा, हीरालाल मीठिया, प्रीतम सिंह, परमवीर सिंह, वासुदेव बद्रा, किशनलाल बद्रा, रूपचंद पंसारी, अशोक कुमार मीठिया, मास्टर कुलवंत सहित सैकड़ों बाड़वासी कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। अनूपगढ़ ज्योति के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, गणेश तनेजा, पदमपुर।